भाई मैं तैयार है और यहाँ पर मसाले भी रेडी हो चुके हैं और देख और जब बनने को तैयार फाइनली डाल दिया हमने गर्म पानी में और अब उसका नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है और अभी फ़िलहाल मैं हूँ गांव में और शाम के बज चुके हैं 5। तो हम लोग अर्जी बना रहे हैं, तो अर्जी बनाए थे तो देखते हैं और क्या रहता है प्रोग्राम, मस्त से। और यहाँ पर भैया लोग यहाँ पर ये देखिए इसकी सामग्री तैयार कर रहे हैं। तो ये क्या है भैया? ये सब हमारा बन रहा है, क्या कहते हैं उसके लिए, क्या कहते हैं अर्जिया बनेगा उसके लिए मसाला तैयार हो रहा है। ये देखिए गाइस, पूरी तरह से पहले नमक पीसना है बहुत सॉलिड तरीके से। इसमें लहसुन है, ग्रीन मिर्च है और ये थोया है, इसे पहाड़ी क्या कहते हैं जोहारी काला जीरा या पहाड़ी जीरा कहते हैं, मगर जोहार नहीं मिलता है या नीचे नहीं मिल पाता है कहीं भी, किसी भी जगह अवेलेबल नहीं है। बहुत शानदार है, बहुत इसका इतना शानदार टेस्ट होता है कि कोई भी नमक बना लो आप इससे बहुत शानदार बनता है। अभी आप हम आपको बताएंगे। देखिए गाइस, देख सकते हैं आप पहाड़ी सिलबट्टे पर आप नमक पीसा जाएगा, पूरी तरह से मसाला तैयार किया जाएगा अर्जी के लिए। बाकी हमारा मटेरियल पूरी तरह से तैयार है, जीरा गुड़ी भी है। ये है हमारा बीज का काला जीरा, दिखाओ काला जीरा, ये अभी काला जीरा, ये है ये देखिए काला जीरा। इसे हमारे अपने पहाड़ी लैंग्वेज में या लोकल भाषा में इसे थोया कहते हैं, थोया। और ये ग्रीन मिर्च हो गई और ये लहसुन हो गई, जिसे आप जानते हैं जीरा। अब इससे हम अपना ये मसाला तैयार कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से नमक बनाएंगे, फिर बाकी हमारा फिर आगे का प्रोग्राम। हमने बाकी सारा चीज़ हमने रेडी कर रखा है और कीमा है, मोटी आंत है, मोटी आंत में भरते हैं। ये जोहारे लोगों का बहुत प्रिय भोजन है, पहले से ही काफ़ी अच्छा सा इसका स्नैक्स बनाया जाता है या फिर खाया जाता है, जो भी है। जोहारी लोग काफ़ी अच्छे से, अभी भी हो घर में कोई पारिवारिक पूजा वूजा होती है तो इसे ज़रूर बनाते हैं। आज हम भी ऐसा ही कुछ हमारा प्रोग्राम है, हम भी बना रहे हैं इसे काफ़ी अच्छे से। फिर गांव में भी जो हमारे रिलेशन वाले हैं उनको भी बुलाएंगे हम खाने के लिए, उनको इधर उधर से। काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया जाता है इसे, अभी बताएंगे हम बनाने का तरीका भी इसे आपको। तब तक ऐसे छिलते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे। हमारा मसाला हो चुका है रेडी और इसका हम दिखाते हैं आपको प्रोसेस कैसे रहती है। देखिए मसाला कितना मस्त शानदार और जो खुशबू आ रही है ना इसमें दोस्तों, बहुत मजा आ गया यार। दोस्तों दादी का हुक्का ऐसे पीते हैं इसे, देखिए गाइस। और इसको देखिए ऊपर से कोयला रख के पानी डाल के, यह। और यहाँ पर हमारा आधा मटेरियल तैयार हो चुका है। ये देखिए कीमा बना रखा है बहुत शानदार और उसमें डाल दिया है जितना पीसा था मसाला हमने अभी थोड़ी देर पहले, तो वो भी डाल दिया से। अब बढ़िया करके मिक्स करेंगे इसे मस्त से और ये इसमें भरेंगे। इसका देखिए दोस्तों क्या होता है, बाकी मस्त शानदार व्यू के साथ शानदार भोजन की तैयारी चल रही है यहाँ पर। और धूप भी चलेगी अब तो दोस्तों, ऐसे मिक्स किया जाता है बढ़िया से। फिर कुनी बता यो क्यों कुनी कर दे, देखिए ले क्यों निकाल दो मैं तो ये देखिए दोस्तों, अब तो देखो बनाया को बहुत सारे। और यहाँ पर मस्त से मटेरियल तैयार हो रहा है, सामने आग भी चला रही है मस्त से। और यहाँ पर देखिए आप लोग शानदार खाने की तैयारी शाम की, भाई मैं तैयार है और यहाँ पर मसाले भी रेडी हो चुके हैं और ये देखिए ऐसे मिक्स करते हैं सब प्यार से, जैसे मिक्स कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और यहाँ पर देखिए चाचा को मस्त से मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आते भी तैयार ही है, आते भी तैयार है और इसको इसमें भरना है। फिर देखिए भरने के बाद जो लाजवाब डिश मिलेगी ना आपको दोस्तों, ऐसी डिश तो आपने कभी देखी नहीं होगी और ना ही कभी खाई होगी। अगर आप मुंसारी वाले हो तो एक बार आप लोग ने खाई होगी ज़रूर। पर देखिए यहाँ पर जोहार, मुंसारी के फेमस डिश बन रही है आज अर्जी। गिमनी बन रहा है क्या? अर्जी बन रही है, गिमनी बन रहा है, क्योंकि गिम खाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना अर्जी खाने में मज़ा आता है, तो इसलिए। देखिए यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है, ये देखिए
अजिया बनने को तैयार। हमारा मसाला तैयार हो चुका है और ये दोनों भाई लगे हुए हैं। देखो ये चचा लोग हैं मेरे, ये बड़े हैं ये छोटे हैं। अब देखो ऐसे डालना है इसको, देखिए दोस्तों थोड़ा सा स्पेस बनाना है, इसका मुंह बनाना है। पहले उसमें हमने एक ब्लड वाला पीस डाला, बाकी फिर कीमा डाल रहे हैं जिसकी वजह से अपने आप खिसक रहा हो नीचे को। देख लीजिए आप अपने के लिए, ये दूसरे चचा हैं। देखो कैसे ये नीचे को डालना है इसको, इसको पूरा इसके लगभग कलड़ी से डालना है। जो हमारी पूरी मोटी आंत है इसको पूरा क्लियर भरना है नीचे से ऊपर तक। इसलिए इसे पहले एक ऊपर से डाला जा रहा है और इसे नीचे पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये देख लो आप, यहाँ पर हमारा पूरा खाली हो चुका है, बाकी नीचे को भर रहा है। पहले ऐसे डालना है बस, इसको थोड़ा सा स्पेस बनाना है इसमें डालने के लिए। जो हमने कीमा बनाया है, मसाला वसाला सब हमारा इसी में डला हुआ है और ये जा रहा है। थोड़ी देर में हमारा अर्जी फिर तैयार हो जाएगा। आप देख लीजिए इसे भरने का तरीका कैसे भर रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सब भरते हैं फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली दोस्तों ये हो चुका है कम्प्लीट, और देखिए इसके किनारों पर बांध देते हैं हम लोग गाँट, जिससे इसका मटेरियल अंदर का हिले ना, इसलिए इसके अंदर गाँट बांध दिया। ये तैयार हो चुका है, अब इसको डालेंगे गर्म पानी में। इसको धोने के बाद डालेंगे गर्म पानी में, फिर देखते हैं। फिर बन गया हमारा अर्जिया, फिर बन गया हमारा अर्जिया अर्जिया। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए फाइनली डाल दिया हमने गर्म पानी में, और अब उसका पकने का इंतजार करते हैं इसे बढ़िया से। और यहाँ पर देख सकते हैं चाचा लोगों के साथ बिल्कुल बनाया जा रहा है। उबालना पड़ता है इसे, हाँ अच्छी तरह से उबाल कर तब पकेगा। हाँ हम बताएंगे आपको कि आज उसके बाद कैसा टेस्ट होता है इसका। देखिए गाइस, ज्वार मुंसार की फेमस डिश अर्जी, ज्वार मुंजार की फेमस डिश बन रही है अर्जी यहाँ पर। बेहतरीन तरीके से पहाड़ी मसालों के साथ मसाला मारते हुए चचा लोगों ने बना रखी प्यार मोहब्बत से। देखते हैं हम कैसा टेस्ट आता है इसका फाइनली खा के। और यहाँ पर काफी मेहनत लगी है इसे अभी तक बनाने के लिए, रेडी करने के लिए। इसको पकाने के लिए सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुई का इस्तेमाल। अच्छा, तो पकाने के लिए सुई का इस्तेमाल करना है, फूटे ना कहीं से, फूटे ना, और इसके अंदर का जो मटेरियल है बाहर ना निकले अच्छे से। तो इसलिए देखते हैं अब इसको थोड़ी देर बाद दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है। गाइस यहाँ पर है छिम्बा, देखिए ये भी कितना शानदार दिख रहा है। हमारे अब इसको भी खाएंगे हम थोड़ी देर में। कलेजी और कलेजी और टालिया, और यहाँ लक्की भी खाने के लिए तैयार है। लक्की को देखिए, ये देखिए। सो गाइस अराउंड 3 घंटे हो चुके हैं और ये फाइनली बन गया, देख लीजिए थोड़ा बहुत रेडी हो चुका है, और थोड़ा सा और टाइम लगेगा। इसके बाद इसको टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा हो रहा है। काफ़ी मेहनत लगी है इसमें, देखिए ये लोग। सो फाइनली दोस्तों डिश तैयार है, अब इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा हो रहा है। तो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अब इसको टेस्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ठंडा काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको टेस्ट कर रहा हूँ कैसा होता है। तो गाइस ये लिटरली बहुत टेस्टी हो रहा है आज के खाने में, बहुत मजा आ गया। क्या टेस्ट आया, खाते हैं। बहुत मेहनत लगी इसमें,